नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। ये जो गलत गलत वीडियो हुए ना, एक दिन अपलोड मत करे करो। अगर काज के पास आवे तो उसको डिलीट कर दे वहीं। और बनाने वालों से भी एक बात है भाई, कोई भी हिंदू मुसलमान के ऊपर, मुसलमान हिंदू के ऊपर कोई भी वीडियो मत बनाओ। क्यों देश में आग लगा रहे हो तुम? ऐसी वीडियो मत बनाओ जो एक दूसरे के दिल पे लोड पड़े, जो देश बांटने की बात करे या हिंदू मुसलमान में दंगों कराने की बात करे। तो ऐसी वीडियो मत बनाओ। मैं हिंदू से भी कह रहा हूँ, मुसलमान से भी कह रहा हूँ, सिख भाई से भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, ऐसी वीडियो मत अपलोड करो, मत बनाओ जो एक दूसरे मजहब के ऊपर जाए और फिर एक दूसरे मजहब के ऊपर जाए, फिर दंगा बन जाए। ये सब देश बांटने वाले जो वीडियो हैं, इन वीडियो ख़त्म करो। अगर कोई वीडियो आपके पास आ भी जाए तो उसको वहीं वहीं डिलीट कर दो, ठीक भाई। तो हमारे फ़िलहाल विराट कोहली जी आईपीएल नहीं हुए तो भी फ़िलहाल मस्ती में हैं, अभी अपने घर पे एंजॉय कर रहे हैं अनुष्का मैडम के साथ। बा विराट कोहली तो अनुष्का समझ ले रहे हो, बा हम रजिया समझ ले रहे हैं लाला। मज़ा ई मज़ा आते एक जैसे ही बात, तो क्रिकेट खेले हम गाना गावें, अब पर कोई बात नहीं। तो सभी हिंदुस्तानी सभी भाइयों से यही अपील है कि जब तक लॉकडाउन है तो कानून का उल्लंघन ना करें। और जैसे भाई मैं अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि जो हमारे बड़े उलेमा मौलाना जो बोल रहे हैं कि अब के बार दुनिया का हाल देखते हुए इस बीमारी से जिस तरह से भी जनता परेशान है, तो अब के हमारे बड़े उलेमाओं ने फैसला किया है कि नए कपड़े नहीं खरीदने, इस ईद पे कुछ नहीं खरीदना है। तो ठीक है मेरे भाइयों, अब के ईद रोज़ा जैसे जिस तरीके से रखे गए हैं तो उसी तरीके से ईद अब जैसे हमारे उलेमा बोल रहे हैं उसी तरीके से एक है, कुछ नहीं खरीदना, नया तो कुछ खरीदना ही नहीं है, ठीक भाई। चलने दो, कितने दिन ये लॉकडाउन चला, समझ रहे हो ना। तो सभी भाइयों से ये प्यार से रहो, कानून का उल्लंघन ना करें, मास्क लगाएं और अपने घर पर रहें, बाहर ना जाएं, ठीक भाइयों। तो मैं सगर तूफानी शायर मेवाद असर।